ये बिहार बिहारियों और बिहार सरकार के लिए शर्मनाक घटना है और 6 लाख अभ्यर्थियों के लिए दर्दनाक घटना। वो पढ़ाई करते रहते हैं और सपने देखते हैं, बिहार सरकार एक झटके में उन सपनों को तोड़ दिया है। नीतीश कुमार का एक भी कार्य ऐसा नहीं है कि जिसमें बिहार का नाम हो। तो इस घटना के बाद मैं चाहूंगा कि बिहार पुलिस नहीं, CBI नहीं, उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय के माननीय जज के देखरेख में जांच हो, ताकि दोषी जो हैं जो पकड़े जाएं। लेकिन बिहार सरकार, मुझे कहते हुए इतना मुझे दुख, मुझे इतना शर्म आ रही है कि मैं खुद एक बिहारी हूं, लेकिन इस सरकार को इतनी ये अंधी गुंगी बहरी सरकार है कि इसको ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि एक झटके में आपकी गलतियों के कारण PTE का पेपर रद्द किया जाता है, लेकिन एक झटके में आपने 6 लाख बच्चों का जो सपना जो है कुछ समय के लिए पीछे धकेल दिया। बिहार में 67वीं BPSC परीक्षा के जो प्रश्न पत्र थे वो लीक हो चुके हैं, और जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि सभी चीज़ें गाइडलाइन से चलती है और गाइडलाइन से सब कुछ जांच चल रही है। ऐसे में प्रोफेसर विनीत है, लोजपा रामविलास के प्रवक्ता। विनीत जी, कैसे देख रहे हैं BPSC जैसे बड़े एग्ज़ाम का पेपर अब लीक हो जा रहा है बिहार में? ये बिहार बिहारियों और बिहार सरकार के लिए शर्मनाक घटना है और 6 लाख अभ्यर्थियों के लिए दर्दनाक घटना है। जो बच्चे 2-3 साल से मेहनत करते हैं, कठोर मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, मूलभूत सुविधाओं से वंचित होकर पैसों की कमी में भी वो पढ़ाई करते रहते हैं और सपने देखते हैं, बिहार सरकार एक झटके में उन सपनों को तोड़ दिया है। बिहार BPSC जो कि प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है, उसका पेपर लीक होना ये कोई संयोग नहीं है। जितने भी सरकार के आला अधिकारी हैं, चाहे इनके जो नेता रूपी जो ठेकेदार हैं, जो कुछ बच्चों से पैसा लेते हैं, पैरवी करा के बच्चों को पेपर लीक कर देते हैं, और जो बाकी के जो बच्चे जिनके पास क्षमता नहीं है, आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं है, वो क्या करते हैं बेचारे, अपने मेहनत के बल पर चाहते हैं क्वालिफाई करें, पर वो सफ़र करते हैं, वो पीछे छूट जाते हैं। तो नीतीश कुमार के राज्य में, 17 साल के राज्य में ऐसा कोई भी कुकर्म नहीं हुआ है। हर तरह के कर्म हुए हैं, कुकृत हुए हैं, जिससे कि बिहार की छवि बर्बाद हो, बिहार बदनाम हो। नीतीश कुमार का एक भी कार्य ऐसा नहीं है कि जिसमें बिहार का नाम हो। तो इस घटना के बाद मैं चाहूँगा कि बिहार पुलिस नहीं, CBI नहीं, उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय के माननीय जज के देखरेख में जांच हो, ताकि दोषी जो हैं जो पकड़े जाएं, और पकड़े जाएं और उनको इतनी कठोर सजा मिले कि वो सजा दूसरों के लिए नज़ीर बन जाए, ताकि जो बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं वो कभी इस तरह से सफ़र नहीं करें। सवाल यह है कि जिन बच्चों के साथ ये हुआ है, कई लोग दूर दूर से आकर परीक्षा देते थे, कई फोटोज़ भी सोशल मीडिया पे है, स्टेशन पर सोकर परीक्षा देते हैं, उन बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, अब उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार परिश्रम कर रहे थे? देखिए, मैं पेशे से प्रोफेसर हूँ, मैं बच्चों के बीच में रहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि बच्चे कितने मुश्किल से, हर व्यक्ति कोई साधन संपन्न परिवार से नहीं आता है, बहुत से बच्चे किसान के परिवार से हैं, गाँव से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, सुदूर क्षेत्रों से आते हैं। वो बेचारे केवल पटना राजधानी में नहीं, देश के कई प्रदेशों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि आते हैं, उनको होटल में जगह नहीं मिलता है, कोई धर्मशाला में ठहरा हुआ है, कोई स्टेशन पर ठहरा हुआ है, कोई बस स्टैंड के पार्किंग में ठहरा हुआ है, और ये सपना देखते हैं कि अपने मेहनत के बल पे शायद अपना हम भविष्य संवार सके। लेकिन बिहार सरकार, मुझे कहते हुए इतना मुझे दुख, मुझे इतना शर्म आ रही है कि मैं खुद एक बिहारी हूं, लेकिन इस सरकार को इतनी ये अंधी गुंगी बहरी सरकार है कि इसको ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि एक झटके में आपकी गलतियों के कारण पीटी का पेपर रद्द किया जाता है, लेकिन एक झटके में आपने 6 लाख बच्चों का जो सपना जो है कुछ समय के लिए पीछे धकेल दिया। तो ये लोग बिल्कुल माफ़ी के लायक नहीं है। और नीतीश कुमार क्या बोलेंगे, नीतीश कुमार के राज्य में आप क्या स्वास्थ्य ले लीजिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, क्या पढ़ाई ले लीजिए, क्या कुछ भी ले लीजिए, सब चीज़ में बिहार बिल्कुल रसातल में घुस चुका है, और मैं इसके लिए बहुत बहुत दुखी हूँ। भाजपा के साथ उनके रिश्तों में एक बार फिर से टकराव देखने को मिला है। CA जैसे कानून को लेकर अमित शाह ने कहा कि बिहार में लागू होगा। नीतीश जी का मानना है कि पहले भी वो स्टैंड क्लियर कर चुके हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है बिहार में। देखिए, ये मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का ये दोगलापन है, ये अजीब टाइप का रवैया है। एक तरफ वो लोकसभा में CA को सपोर्ट करते हैं NDA घटक दल होने के कारण, और अभी जब लागू होने की बात हो रही है तो कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, जब केंद्र से कोई चीज़ आता है तो इन फेडरल स्ट्रक्चर राज्य सरकार को मानना उनके लिए बाध्य है, और खास करके जब NDA के जब आप घटक दल हैं, जिनके
जिस बड़े भाई के कारण आप बिहार में सरकार चला रहे हैं, आप उसकी बात नहीं मानिएगा। तो देखिए, बार बार हम ही नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी कहते रहे हैं कि एनडीए में सब चीज़ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार जी, मुझे लगता है कि सीए के या तो बहाना लेंगे या कुछ और लेंगे, और ये पलटी मारने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। सर, युवा प्रशांत किशोर भी बिहार आ चुके हैं, क्या लग रहा है चिराग जी के साथ उनका जो संबंध पहले रहा है, खासतौर पर जब महागठबंधन में वो काम कर रहे थे और चिराग जी एनडीए में थे, उसके बाद देश की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम किया है, तो क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर के बिहार आने के बाद चिराग पासवान के रिश्ते प्रशांत किशोर से सुधरेंगे? प्रशांत किशोर और चिराग पासवान जी के व्यक्तिगत रिश्ते हैं। अगर बात आएगी राजनीति की, तो प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो देखेंगे, 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे, फिर देखेंगे राजनीति पार्टी बनाएंगे नहीं। लेकिन बिहार में थोड़ा सा ये कष्ट है कि बिहार में जहाँ पे वोट जो है बिल्कुल जाति पे आधारित है और हर जाति का अपना अपना लीडर है, वहाँ पे प्रशांत किशोर, क्योंकि वो अगड़ी जाति से आते हैं, उनका ये भी कहना है कि जो भी छोटे दल हैं या बिहार में सक्रिय दल हैं, मेहनत कर रहे हैं, सभी लोगों को साथ आना चाहिए, साथ लेकर काम करना होगा। नहीं तो इसके लिए, तो जैसे कि अगर हम बिहार की बात कर लें, तो बिहार में एक ही नेता ऐसा है जो कि सर्वमान्य है, या लोग उनको मान रहे हैं कि आने वाले समय के ये बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, वो है चिराग पासवान जी। आप देखिए जहाँ पे जैसे वो जाते हैं, उनकी भीड़ और कितना लोग पहुँचते हैं। जहाँ तक बात प्रशांत किशोर को कह रहे हैं कि भाई सब छोटे छोटे दलों को आना चाहिए, ये हर कोई जानता है, लेकिन बिहार में वही कह रहा था सनी जी कि बिहार में जहाँ पे वोटर्स जाति पे बंधे हुए हैं, जाति पे बटे हुए हैं, वहाँ पे प्रशांत किशोर अगड़ी जाति से आते हैं। अब उनके लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज होगा कि क्या सब जाति के लोग उनको मानते हैं, उनका एक्सेप्टेंस होता है। उसके बाद से बिहार में देखिए, किसी का स्ट्रैटेजी बनाना, किसी का रणनीति बनाना और खुद राजनीति करना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंज, यहाँ पे चुनौती मिलेगा। वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मान लेते, हमने तो कहा कि देखिए किसी के मानने ना मानने से नहीं होगा, हमारी जनता मान चुकी है कि आने वाले समय में, क्योंकि उन्होंने राजद को भी देख लिया है, उन्होंने एनडीए को भी देख लिया है, जो विकल्प अभी उनके पास है, जो कि सबसे बेहतर विकल्प है हमारे पास, चिराग पासवान जी। तो जो व्यक्ति हमारे विजन में हमारी आस्था रखता है, जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है, उनका हमेशा स्वागत करते रहे हैं, चाहे प्रशांत किशोर जी हों चाहे कोई और भी हो। जी, तो बीपीएससी मुद्दे को लेकर इनकी मांग है कि सरकार इसकी जाँच कराए, वहीं पीके के आने के बाद बिहार में सियासी माहौल बदलेगा, सियासत बदलेगी, उसको लेकर भी चिराग पासवान तैयार है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।